सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुन के साथ रहती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुन से कहती है, टुनटुन, ओ बेटी टुनटुन, तुम कहाँ हो? घर के अंदर जाकर देखती है कि टुनटुन रो रही है। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ? जानती हो मम्मा, मैं कौवा अंकल के घर गई थी। राजू को देखा, वो चिकन चावल खा रहा था। मुझे देखकर राजू ने मुझे बहुत बात सुनाई मम्मा। उसने कहा, हम लोग हमेशा दाल चावल ही खाते हैं, हम लोगों को कभी चिकन नसीब नहीं होगी मम्मा। और बहुत कुछ सुनाया मम्मा। मैं राजू की इन बातों से दुखी हूँ, मुझे उसकी बातों से बहुत दुख हुआ मम्मा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ओहो मेरी प्यारी गुड़िया, तुम राजू की बातों से बिल्कुल दुखी मत होना। दाल चावल खाने में बहुत स्वादिष्ट है, पर उसे ये सब कहाँ पता। अगर वो एक दिन चिकन ना खाकर दाल चावल खा ले तो फिर कभी ये सब नहीं बोलेगा, समझी मेरी जान? तुम सच बोल रही हो मम्मा? हाँ मेरी बच्ची, मैं सच बोल रही हूँ। अब रोना धोना छोड़ो, मैं सब्जियाँ लेकर बाजार जा रही हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया सब्जी लेकर बाजार की ओर चल देती है। वो दिन भर बाजार में सब्जियाँ बेच कर शाम को घर वापस आ जाती। इसी तरह दोनों की जिंदगी गुजर रही थी। इधर गोरी कौवी चिकन की दुकान पे जाकर कहती है, चील भैया, ओ चील भैया, चिकन कितना रुपया केजी दे रहे, मुझे 3 केजी चिकन दीजिए तो। 800 रुपया केजी है, लेकिन तुम रोजाना लेकर जाती हो इसलिए तुम्हें 700 रुपया केजी दूंगा। क्या बताऊँ चील भैया, मेरा बेटा चिकन के बिना कुछ खाता ही नहीं है, मेरे पास तो पैसों की भी कमी है, पर क्या करूँ चील भैया, बेटे के लिए चिकन लेना ही पड़ता है। और तो और, वो पेट भर कर चिकन ही खाता है, अगर थोड़ा सा कम हो जाए तो घर सिर पर उठा लेता है। यह सब कहकर गोरी चिकन लेकर वहाँ से चली जाती है। बाजार में एक ही चिकन की दुकान होने पर सभी वहीं पर आता है। फिर चील सोचता है, अरे मेरा बचपन से सपना था अमीर बनने का, चिकन बेचकर मैं कब अमीर बन पाऊंगा, इतना महंगा चिकन खरीद कर खुदरा बेचकर मैं कब तक अमीर बन पाऊंगा, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, मुझे कैसे भी बहुत बहुत अमीर बनना होगा। चील ये सब सोच ही रहा था तभी टूनी वहाँ आ जाती है। चील भैया, ओ चील भैया, मुझे 1/2 केजी चिकन उधार देंगे, मैं कल ज्यादा सब्जी बेच कर आपका उधार चुका दूंगी। नहीं टूनी, मैं तुम्हें चिकन उधार नहीं दे सकता, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो चिकन लेने क्यों आई हो, मैं किसी को उधार नहीं देता हूँ, जाओ यहाँ से, बिना पैसे के चिकन खरीदने आ जाते हैं गरीब कहाँ के। ऐसा कहकर चील टूनी को भगा देता है और टूनी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। नहीं, ऐसे चिकन बेचने से नहीं होगा, मैं एक काम करता हूँ, आज से मैं पक्षियों का मांस बेचूंगा, लेकिन किसी को पता चलने नहीं दूंगा, मैं अमीर बनने के लिए कुछ भी करूंगा, मैं हर हाल में अमीर बनना चाहता हूं, पर मैं रोज रोज इतना पक्षी कहां से लाऊंगा। चील ऐसे सोच ही रहा था तभी कबूतर वहां आ जाता है। चील भैया, ओ चील भैया, मन ही मन क्या सोच रहे हैं, सुनो चील भैया, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए मुझे 10 केजी चिकन लगेगा, आप मुझे दे सकते हैं? अरे कबूतर भैया, आप इतना क्यों चिंता कर रहे हैं, बिल्कुल चिंता ना करो, मैं समय पर आपको चिकन पहुंचा दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है चील भैया, फिर मैं चलता हूँ। हाँ, पैसों के लिए चिंता मत करना, मैं आपको पूरा पैसा दे दूंगा। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, यही अच्छा मौका है, अगर मैं इसे आधा चिकन और आधा पक्षी का मांस दे दूँ तो कैसा रहेगा, हाँ आज रात मुझे पक्षी ढूंढना होगा। ऐसा कहकर चील रात में घर से निकलता है और जंगल की ओर चल देता है। आगे जाकर देखता है कि रास्ते में एक मरा हुआ चिड़िया पड़ा है। हाँ, एक मरा चिड़िया मिल गया, इसे ले लेता हूँ, यह मेरा काम आएगा। ऐसा कहकर चील मरा हुआ चिड़िया को लेकर जा रहा था, अचानक रास्ते में कालू कौवा मिल जाता है। अरे चील भैया, तुम कहाँ जा रहे हो और इस चिड़िया का तुम क्या करोगे, यह चिड़िया तो मेरे जंगल का नहीं है, आखिर बात क्या है, तुम आजकल चिकन छोड़कर चिड़िया का मांस बेचते हो क्या? नहीं, अरे भाई तुम क्या बोल रहे हो, मैं भला चिड़िया का मांस क्यों बेचूंगा, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। देखो चील भैया, मेरे सामने नाटक मत करो, अगर तुम सत्य को स्वीकार कर लोगे तो मैं तुम्हारा मदद करूँगा, पर उसके बदले में मुझे पैसे देने पड़ेंगे। फिर चील कौवा के सामने सच स्वीकार कर लेता है
फिर कालू कौवा दूसरे जंगल से पक्षियों को पकड़ पकड़ कर लाता और चील उसे काट कर उसकी बिक्री करता। चील भैया, ओ चील भैया, सुन रहे हो? आजकल हम लोगों को चिकन का स्वाद अलग लग रहा है। क्या बात है, इससे पहले भी हम लोगों ने चिकन खरीद कर खाया है, पर ऐसा स्वाद तो बिल्कुल नहीं था और चिकन में अधिक चर्बियाँ हैं। क्या बात है, और ऐसे अधिक दाम में चिकन बेच रहे हो? क्या हम लोग इतना महंगा चिकन खा पाऊंगा? क्या कबूतर भाई, क्या बोल रहे हो? मेरे पास चिकन छोड़कर और क्या है जो मैं बेचूंगा? मुझे तो वही स्वाद मिल रहा है, आपके मन की तंगा है। यह सब सुनकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है। रूनी बहन, आजकल जंगल में यह सब क्या हो रहा है? दिन ब दिन जंगल में पक्षियाँ कम होती जा रही है, ऐसे पक्षियाँ कहाँ जा रही है? मुझे पता नहीं है कबूतर भैया, सुना है रानी का पति भी लापता है, वो कई दिनों से नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे ही सब बातें कर रहा था तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। अरे कबूतर भैया, आजकल चिकन की दुकान में कैसा कैसा चिकन मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ गोरी बहन, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा अब मैं चलता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। अरे मम्मा, तो कब का बाजार गई? रात होने को है पर अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मैं अकेले क्या करूंगी? चलो मैं भी बाजार जाकर देखती हूँ मम्मा क्या कर रही है। फिर टुनटुन बाजार की ओर चल देती है। टूनी बाजार में सब्जी बेच रही थी। टुनटुन अपनी माँ के पास बैठकर सोचती है, पास ही चील मामा की दुकान है, जाकर देखती हूँ वहाँ क्या हो रहा है। ऐसा सोचकर टुनटुन दुकान के पास जाती है। दुकान पहुंचकर टुनटुन अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी अचानक सभी वहां आ जाते हैं। आकर देखता है कि दुकान के पास बहुत सारा पक्षी मरा पड़ा है। चील भैया, ये क्या देख रही हैं? आप इतना नीच काम करेंगे हमने कभी नहीं सोचा था, इसलिए हम लोग इतने दिन से चिकन में गंध पा रहे हैं। आप रुपयों के लिए इतना घिनौना काम करेंगे हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। और कालू भैया, आप तो चील के साथ ही थे, इसका मतलब आप भी इसके साथ मिले हुए हैं, यही ना? हाँ बहन, हम लोगों ने गलत किया, हमें माफ कर दो, हम लोग ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो, दरअसल पैसों के लिए हमने ये किया, हमें माफ कर दो। ऐसे ही कालू कौवा और चील पक्षियों से माफी मांग रहा था, पर पक्षियों ने उसे माफ नहीं किया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।